अस्सलाम वालेकुम जी स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं स्टूडेंट्स? हमने प्रीवियस क्लास अटेंड की थी और उसके अंदर जस्ट हमने ये थोड़ा सा गाइड किया था हमारे ऑनलाइन इसे क्लासेस के मुतलका एज इंट्रोडक्शन जनरल डिटेल क्या है। स्टूडेंट्स, आज मैं बाकायदा तौर पे वेरिएशन एंड जेनेटिक्स के टॉपिक को लेके आपके सामने हाजिर हुआ हूँ। स्टूडेंट्स, हमारा असल मकसद इस वेरिएशन और जेनेटिक्स के आगे टॉपिक के डिस्कस करने का वो ये है, मैंने आपकी इस बुक को एफएससी पार्ट टू मैंने बिट से स्टार्ट किया है क्योंकि हमारे मोस्टली जो स्टूडेंट्स हैं वो अपने इंस्टीट्यूट के अंदर कुछ ना कुछ क्लासेस रिकवर कर रहे हैं। कुछ स्टूडेंट्स ने तकरीबन 2-3-4 लेसन पढ़ लिए हैं। इस चीज को देखते हुए मैंने मिड से ऑनवर्ड स्टार्ट किया है ताकि आप जो है नेक्स्ट लेसन यहाँ से रिकवर कर सको। स्टूडेंट्स, आज की क्लास का आगाज हम एक जॉक से करेंगे। ये जॉक डिस्कस करने का मकसद ये है कि आप लोग सिर्फ बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री पढ़ पढ़ के सिर्फ बोर ना होते रहें, बल्कि हमें थोड़ा सा स्टूडेंट्स इजी होना चाहिए। सिर्फ ये मकसद नहीं है कि पढ़ाई को अपने सर पे आके ले आओ, ये कोई अकलमंदी नहीं है। डिग्री लेते हुए अपने आपकी बात मारे। इसलिए आज का जॉक क्या है, दो पठान थे और वो जल्दी के अंदर मस्जिद में दाखिल हुए और उस वक्त जमात हो रही थी, नमाज पढ़ी जा रही थी। वो बाप के बगैर वजू किए ही जमात के अंदर शामिल हो गए और वहां पे जाके शामिल होने के बाद जब उन्होंने सलाम फेरा और एंड किया तो उनमें से एक बोला, हाँ बहुत अच्छा हुआ कि हमने जमात के साथ नमाज अदा कर ली। दूसरा खान बोला, कहने लगा, हाँ अगर हम वजू करता तो शायद हम लेट हो जाता। तो स्टूडेंट्स, हम कोशिश किया करें कि साथ साथ कोई एक दो जॉक्स या कोई अदर ऐसी चीजें वो आपके साथ डिस्कस करते रहें ताकि लगे किताबें पढ़ने के साथ साथ अदर जो और वर्किंग है वो भी हमें रिकवर होती रहे। तो जी स्टूडेंट्स, हमारा जो आज का टॉपिक है वेरिएशन एंड जेनेटिक्स से मिलकर हम यहाँ पे ओवरऑल बात करेंगे स्टूडेंट्स हेरिडिटी मटेरियल से मिलकर जेनेटिक्स मटेरियल से वेरिएशन है क्या है। मैं जरा फर्स्ट इसको लोकेट कर दूं, वेरिएशन होता है चेंजिंग। स्टूडेंट्स, तब्दीलियां होना मसलसल विद द पासेज ऑफ टाइम, तब्दीली का होना। जेनेटिक्स अगर हम इसके ओवरऑल बात करें, ये जीन से मिलकर है। यहाँ पे क्वेश्चन रेज होगा कि जीन तो हमारे पास पेयर फॉर्म के अंदर है, लेकिन स्टूडेंट्स याद रखिएगा कि ओवरऑल जो जीन्स हमारी बॉडी के अंदर हैं, हर खसूसियत के लिए जीन पेयर मौजूद है। इसका मतलब यह है यही जीन पेयर बेसिकली जेनेटिक है, यही जीन पेयर बेसिकली विरासती मादा है। स्टूडेंट्स, यही जीन पेयर बेसिकली जिम्मेदार है इस चीज का कि ऑनवर्ड अगली जनरेशन के अंदर ये खसूसियात को मुंतकिल करने का, ट्रांसफर करने का सबब बनता है। इसी बुनियाद पे बाकायदा तौर पर जो जीन्स हैं ये ऑनवर्ड खसूसियात को लेके चलते हैं, जिस बुनियाद पे हम अपने पेरेंट्स से मुशाबा होते हैं, हम अपने पेरेंट्स से मिलते हैं। स्टूडेंट्स, अगर ओवरऑल हम बात करें, हमारे पास आज फर्स्ट जो पॉइंट होगा वो होगा जेनेटिक्स। जेनेटिक्स क्या है, अगर स्टूडेंट्स हम इसकी बात करते हैं, ये तो आपको रिकवर हो गया कि ओवरऑल जीन्स का मुताला जेनेटिक्स कहलाता है। मैं इसको अगर डिफाइन करना चाहूं तो फिर कैसे करेंगे, द स्टडी ऑफ हेरिडिटी मटेरियल वरासती मादे को स्टडी करना जेनेटिक्स कहलाता है। स्टूडेंट्स, वेरी इजी है, जीन से मुतलक पढ़ना, वरासती मादे से मुतलक पढ़ना, ये क्या कहलाता है, जेनेटिक्स। और असल में यही जिम्मेदार है ऑनवर्ड हमारी खसूसियात को आगे ट्रांसफर करने का। हमारे पास सेकंड टर्म कौन सी आती है, जीन्स की। अगर स्टूडेंट्स मैं जीन्स की बात करूं, जीन्स क्या है, हम इसको वेरी सिंपली डिफाइन कर सकते हैं, फैक्टर
डेट कैरी ट्रेड्स, debtors debt carry trades from one generation to next. बता रहा है कि वो फैक्टर्स बेसिकली जो आम रूटीन में ट्रेड्स को खसूसियात को एक जनरेशन के दूसरे के अंदर लेके जाते हैं उससे हम कहते हैं जीन्स। स्टूडेंट्स ओवरऑल हम बात करें अगर फैक्टर से निकल का फैक्टर क्या है, मैं अगर इसको लोकेट करना चाहूं फैक्टर क्या है, ये बेसिकली ट्रेड्स हैं। अगर स्टूडेंट्स ट्रेड की बात की जाए ये करेक्टर्स हैं, ये क्या है कैरेक्टर्स खसूसियात। फॉर एग्जाम्पल हम कह सकते हैं हाइट, कलर, तो स्टूडेंट्स ऐसी बेसिक खसूसियात हमारे अंदर मौजूद हैं। असल में बेसिकली यही वो फैक्टर हैं जो आम टीम के अंदर जिसकी अभी हम बात कर रहे हैं कि ये वही खसूसियात को ऑनवर्ड लेके चलते हैं। स्टूडेंट्स अगर हम नेक्स्ट बात करते हैं हमारे पास थर्ड पॉइंट आएगा लोकस से मुतल का। लोकस क्या चीज है स्टूडेंट्स, ओवरऑल लोकस है जीन से मुतल का, सॉरी पोजीशन। लोकस के अंदर बेसिकली हम पोजीशन को डिस्कस करते हैं। वो कहेगा कि अगर वो हम बात करते हैं लोकस से मुतल का द पोजीशन ऑफ जीन ऑन क्रोमोसोम, मैं इसको बकायदा डिफाइन करना चाहूं पोजीशन ऑफ जीन्स ऑन क्रोमोसोम्स। क्रोमोसोम्स के ऊपर जीन्स की पोजीशन क्या है ये कहलाता है लोकस। ओवरऑल स्टूडेंट याद रखिएगा हर हमारे पास ट्रेड के लिए जो जीन प्रेजेंट है जिसको हमने फैक्टर का नेम दिया है, स्टूडेंट्स याद रखिएगा ये बेसिकली ओवरऑल हम इसकी बात करें ये हर क्रोमोसोम्स के ऊपर प्रेजेंट है और इनका एक जो पार्टनर है एक जो इनका वन पेयर में से एक जो इसका मतलब है कि अल्टरनेट फॉर्म है इसकी वो एक क्रोमोसोम पे प्रेजेंट है दूसरी दूसरे पे प्रेजेंट है। मैं यहाँ पे मजीद भी लोकेट कर दूं हमारे पास नेक्स्ट है अलील। अलील क्या है अगर हम स्टूडेंट्स ओवरऑल अलील की बात करें वेरी सिंपल है अल्टरनेट फॉर्म ऑफ जीन। Alternate form of gene pair या alternate form of gene in pair, students एक pair के अंदर एक gene pair के अंदर वो बता रहा है कि ओवरऑल की जो alternate form है हम उसको allele कहते हैं। मैं अगर इसकी example देना चाहूं हमारे पास है कैपिटल ए कैपिटल ए कैपिटल ए समाल ए समाल ए समाल ए। मैंने यहाँ पे एक ही ट्रेड के लिए तीन कॉम्बिनेशन को जाहिर किया है। तो स्टूडेंट्स हमारे पास ये जो पॉइंट है फर्स्ट वाला या हम इसकी बात कर सकते हैं मैं इसकी भी कर सकता हूं कि जिसमें सिर्फ वन है ये क्या कहलाता है, ये कहलाता है अलील। हम इसकी बात कर रहे हैं अल्टरनेट फॉर्म ऑफ जीन पेयर, जीन पेयर की जो अल्टरनेट फॉर्म है हम कह सकते हैं कि वन जीन ऑफ ई जीन पेयर, हर ई जीन पेयर का जो एक जीन है वो क्या कहलाता है जी अलील। स्टूडेंट्स यहां पे मैं क्लियर हो गया हमने फोर डेफिनेशन को डिस्कस किया, मजीद हमारे पास दो और डेफिनेशन हैं वो कौन सी हैं
जी स्टूडेंट्स, हमने और आज यहाँ पे 3-4 टर्म्स डिस्कस की। नेक्स्ट हमारे पास क्या होगा? जीनोटाइप। जीनोटाइप क्या है स्टूडेंट्स? बहुत ही इजी है। अगर हम इसकी वजाहत करना चाहें जीनोटाइप की, कॉम्बिनेशन ऑफ जीन पेयर, कॉम्बिनेशन ऑफ जीन पेयर स्टूडेंट, जीन पेयर का जो कॉम्बिनेशन है वो क्या कहलाता है? जीनोटाइप। अगर हम इसकी मिसाल देना चाहें, फॉर एग्जाम्पल, मैंने जैसे पहले एग्जाम्पल दी थी आपको, कैपिटल ए कैपिटल ए, सवाल ए सवाल ए, ये जो हम ट्रेड के लिए जीन पेयर दे रहे हैं वो आया कि टालनेस का हो, वो ड्वार्फिज्म का हो, मीन वो बड़ी हाइट का है, छोटी हाइट का है, या जैसे मैंने ये एग्जाम्पल दी है, ये स्टूडेंट्स एल्बाइनो की एग्जाम्पल है। कैपिटल ए जाहिर करता है कि बंदे को एल्बाइनो की बीमारी नहीं है। सवाल ए जाहिर करता है कि ये जो पर्सन है ये मुकम्मल तौर पे ये मरीज है एल्बाइनो की बीमारी का, मीन इसके अंदर स्किन बनाने के लिए, स्किन कलर के देने के लिए नॉर्मल पिगमेंट्स नहीं है। तो ये हमने जो एक पेयर की बात की है ये जीनोटाइप कहलाता है। फिनोटाइप क्या है? हमारे पास नेक्स्ट आ जाता है फिनोटाइप। अगर स्टूडेंट्स हम इसकी बात करें फिनोटाइप की, द एक्सप्रेशन ऑफ ऑफ जीन पेयर इन फॉर्म ऑफ ट्रेड, इन फॉर्म ऑफ ट्रेड वेरी सिंपल है। हमने जो ऊपर स्टूडेंट्स बात की थी सेम उसी तरह का है, द एक्सप्रेशन ऑफ जीन पेयर इन फॉर्म ऑफ ट्रेड। एक जीन पेयर का बकायदा खसूसियत की फॉर्म के अंदर जाहिर होना, मीन उसका खसूसियत को जाहिर करना। मैं यहाँ पे इसकी वजाहत करने के लिए यहाँ पे लिखूंगा एग्जाम्पल के अंदर, अगर हम इसकी वजाहत करना चाहते हैं तो स्टूडेंट्स हमारे पास यहाँ पे होगा कलर, ओवरऑल सेकंड क्या है हाइट, हम थर्ड ये कह सकते हैं, हेयर स्टाइल। तो ये स्टूडेंट पीसी वराइटी है हमारे पास। इसके अलावा हम कह सकते हैं कि उस पर्सन जो है उसकी आई शेप क्या है, हम कह सकते हैं कि वो पर्सन जो उसकी थिंकिंग एबिलिटी कितनी है, उसके ब्रेन की एबिलिटी, उसका आईक्यू लेवल क्या है। हमारे अंदर थाउजेंड्स ओवरऑल कैरेक्टरिस्टिक्स प्रेजेंट हैं जिसको आप यहाँ पे लोकेट कर सकते हो। स्टूडेंट याद रखिएगा, हमारी पूरी बायोलॉजी टोटल इस चीज के ऊपर बेस करती है, इंसान के अंदर ना शुरू से लेके एक चीज प्रेजेंट है, ये खोज लगाता है, ये सीखता है, ऑनवर्ड तलाश करता है, जब एक नई चीज मिलती है उसको मजीद आगे फिर सर्च करता है। यही जेनेटिक्स है जो कि ऑनवर्ड अगली जनरेशन के अंदर नस्ल दर नस्ल सिलसिला चलता है, जिस बुनियाद पे हमारे बुजुर्ग हजरात बाकायदा तौर पे ये पहचान के कहते हैं कि हाँ जी आप फलां खानदान से हो, वो देखते कहते हैं अच्छा ठीक है आप फलां के बेटे हो। एक भाई दूसरे भाई मिलता है, बहन भाई आपस में दूसरे से मिलते हैं, ये तमाम चीजें बाकायदा स्टूडेंट्स लोकेट करती हैं कि बेसिकली हमारे जो खानदान के अंदर हमारा आबाओ अजदाद के साथ एक खास रिलेशन है, जो कि कौन इसका जिम्मेदार है, हमारा हेरिडिटी मटेरियल, हमारा जेनेटिक्स मटेरियल है। और इसमें यहाँ पे एक और भी बात वाजे कर दूं, मॉडर्न रिसर्च के अकॉर्डिंग हर पर्सन की बकायदा तौर पे 3 और कॉपीज हैं, मीन्स की हम शक्ल 3 और वर्ल्ड के अंदर प्रेजेंट हैं, जिनमें से एक पर्सन से आप लाजमी मुलाकात करेंगे। और स्टूडेंट्स ओवरऑल दूसरा जो पर्सन है उससे कुछ लोग मिलते हैं और कुछ उससे नहीं मिलते, तीसरा जो पर्सन है इससे कोई भी नहीं मिलता। और आज उन्होंने इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किए, एनालिसिस करके उन्होंने बताया कि वाकई ही एक इंसान जो है उसकी 3 हमशक्ल और मौजूद हैं। लेकिन स्टूडेंट यहाँ पे कुदरत की कारागरी को देखिएगा कि उसने बकायदा तौर पे इतनी ह्यूज अमाउंट के अंदर हमें बनाने के बावजूद हमारा जेनेटिक मटीरियल बहुत सा चेंज रखा है, इसको चेंज किया
और हर एक जेनेटिक मटेरियल डिफरेंट है, हत्ता कि हम अपने वायदान से मिलते जरूर हैं, लेकिन स्टूडेंट्स हम उनसे बहुत सा डिफरेंट भी हैं। स्टूडेंट्स ओवरऑल अगर हम यहाँ पे बात करें, हमारे पास ये वेरिएशन जेनेटिक्स का टॉपिक जो है आज, इसके अंदर हमने 5 टर्म जो है डिस्कस की है, 5 और 6 टर्म्स। अगर आपको फिर भी कुछ कंफ्यूजन हो किसी एक के मुतलका, आप इसको कमेंट्स करके लाजमी रिप्लाई कीजिएगा। और स्टूडेंट्स ऑनवर्ड हमारी लाइव क्लास के अंदर इन्वॉल्व होने के लिए मुझे कम से कम आधा घंटा पहले इन्फॉर्म करें, व्हाट्सएप कर दीजिएगा, मैसेज कीजिएगा, ताकि मैं आपको ग्रुप के अंदर ऐड किया करूं। मौके पे जाके स्टूडेंट्स जो है वो बकायदा ऐड नहीं होते, हत्ता कि अगर आपने ज्वाइन करना होता है तो आप कुछ 10 मिनट पहले 8 o'clock से मैसेज किया करें और मैं यहाँ पे लाइव ऑन कर दिया करूंगा, ताकि आप उसके अंदर ज्वाइन हो सकें। और इंशाल्लाह 8 o'clock से ऑनवर्ड हम बकायदा अपनी जो है वो क्लास का आगाज किया करेंगे। टाइम को फोकस करना और फॉलो करना ये लाजमी है, खुदा ना खास्ता कोई मसला ना बन जाए सर्विस के लिहाज से, लाइट के लिहाज से, या कोई और मसला जो घरेलू हो जाता है, इस सेंस में कुछ डिस्टर्बेंस होगी, बाकी स्टूडेंट्स इंशाल्लाह हम इसको बकायदा तौर पे कंटिन्यूज करेंगे। आज की क्लास के अंदर मैं एंड करूंगा एक छोटी सी पहेली के साथ, और पहेली आप लोग जानिए, इसका आंसर ढूंढिए, अगर ना मिले तो कमेंट्स के अंदर जरूर बताइएगा, ताकि मैं इसका आंसर भी दूं, और इंशाल्लाह स्टूडेंट्स मैं इसका आंसर नेक्स्ट क्लास के अंदर जरूर दूंगा। पहेली आज की क्या है, पंजाबी पहेली दे रहा हूं। अलन बलन दो दिए चलन, दो पंखे चलन, सप लेटदा पिया, मुल्क देखदा पिया। दोबारा इसको बोल रहा हूं, अलन बलन दो दिए चलन, दो पंखे चलन, सप लेटदा पिया, मुल्क देखदा पिया। ये स्टूडेंट्स ये हमारी आज की पहेली है, हम इंशाल्लाह इसका कल आंसर देंगे। याद रखिए, सिर्फ पढ़ते रहना पढ़ते रहना पढ़ते रहना ये कोई बड़ा काम नहीं है, बल्कि इजीली सर्वाइव करें। ओवरऑल ना स्टूडेंट्स इंजॉय जो करना है ना, इंजॉय इस चीज का नाम नहीं है कि आप बकायदा फ्री टाइम लेके उसको आप सर्व करें तो ये इंजॉय है, बल्कि वो स्टूडेंट्स बोरिंग है, जिसके अंदर कोई काम नहीं है वो तो बोरिंग है। इंजॉय ये है कि आप जो भी कर रहे हैं, आप स्टडी कर रहे हैं, आप कुछ काम कर रहे हैं, आप कहीं जा रहे हैं, आप बैठे, आप उसमें इजी फील करें। जब आप इजी फील करेंगे तो आपका ये इंजॉय होगा। इंजॉय इस चीज का नाम है सेटिस्फेक्शन, मुतमिन होना, अपने लिहाज से बंदे का मुतमिन होना, इस सेंस में स्टूडेंट्स यही इंजॉय है, और उसको इजीली करना चाहिए, ना कि इस डिग्री को सर पे बिठा के। अगर आप ऐसे करेंगे तो इंशाल्लाह बहुत इजी होगा। और स्टूडेंट याद रखिएगा हमारी बायो की एक एक टर्म जो है बकायदा तौर पर विद कॉन्सेप्ट हमारे सराउंडिंग पे अप्लाई होती है। कुछ भी ऐसा नहीं है जिसको हम कह सके कि वो ओवरऑल हमसे एक्सप्लेन नहीं हो पा रहा, हम कहें कि उन्होंने जस्ट ये बात की है अप्लाई नहीं हो पा रही, इट्स इम्पॉसिबल। बल्कि स्टूडेंट्स हमारी पूरी की पूरी साइंस इस चीज के ऊपर बेस करती है, इसने रियलिटी को लोकेट किया है कैसे, विद एक्सपेरिमेंटेशन, क्लियर बात करते हुए। तो जी स्टूडेंट्स आज की हमारी क्लास जो है, हमने इसके अंदर 6 पॉइंट डिस्कस किए। मजीद आपको फिर भी ऑब्जेक्शन हो तो आप कमेंट्स करके बता सकते हैं, व्हाट्सएप करके मुझसे बकायदा इसके बारे में पूछ सकते हैं, और कमेंट्स स्टूडेंट लाजमी कीजिएगा, ताकि नेक्स्ट क्लास में इसको दोबारा एक्सप्लेन भी कर सकें। मुझे आज के लिए फिलहाल इजाजत दें, इंशाल्लाह मिलेंगे कल की क्लास के अंदर। अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम।